जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, नाहरगढ़ के एक छोटे से शहर में कोमल अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कोमल बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसका स्वभाव एकदम सरल था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। कोमल के पिता की मृत्यु कुछ महीने पहले ही हो गई थी। कोमल की माँ सड़क के किनारे सब्जी बेचा करती थी। एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ही आप सब्जी बेचने के लिए जाना। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है। मेरी प्यारी बच्ची मेरा कितना ध्यान रखती है, हे भगवान ऐसी बेटी सबको देना। नाश्ता करने के बाद गीता सब्जी का ठेला लेकर सड़क के किनारे चली जाती है। आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, पालक ले लो, धनिया ले लो, ताज़ा ताज़ा है, सारी सब्जियाँ ताज़ी ताज़ी है। गीता की सारी सब्जियाँ बिक जाया करती थी, लेकिन जो सब्जियाँ बच जाती थी वो खराब ही हो जाया करती थी। सब्जियाँ बेचने के बाद गीता को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, वो इतने पैसे नहीं कमा पा रही थी। एक दिन गीता अपने पति को याद करती है और मन ही मन सोचने लगती है, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आज हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब मुझे उसकी शादी भी करनी है, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कहीं जाकर नौकरी कर सकूं। मैं आज ही गांव के जमींदार के पास जाकर काम मांगती हूं, शायद वो मुझे काम ही दे दे। इतना सोचने के बाद गीता अपनी सब्जी का ठेला लेकर घर चली जाती है। अपनी माँ को इतनी जल्दी घर आता देख कोमल बोलती है, क्या बात है माँ, आज आप बहुत जल्दी घर आ गई, सारी सब्जियाँ बिक गई क्या माँ? हाँ बेटी, सारी सब्जियाँ बिक गई है, लेकिन कुछ सब्जियाँ बच चुकी है जिसे कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं बची हुई सब्जियाँ घर ले आई हूँ। लेकिन माँ आप मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रही है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों है माँ, मुझे बताइए ना क्या हुआ है। बेटा तुझे तो पता ही है, मैं रोज 10 किलो सब्जियाँ लेकर आती हूँ, उसमें से सिर्फ 6-7 किलो ही सब्जियाँ बिक पाती है, और कुछ सब्जियाँ ना बिकने की वजह से खराब हो जाती है। बेटा जो मैं सब्जियाँ बेचती हूँ उसमें से हमारी कोई भी बचत नहीं हो पाती है। बेटी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और ही काम देख लूं, इसीलिए मैं आज जमींदार के घर काम ढूंढने के लिए जा रही हूं। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, आप जो करेंगी वही सही होगा। कोमल की माँ जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, जमींदार जी मैं आपके गांव में रहती हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो सड़क के किनारे ठेला लगाती हो और सब्जियाँ बेचा करती हो और नदी के उस पार मिट्टी वाले घर में रहती हो। हाँ जमींदार जी मैं वही हूँ, आपने मुझे सही पहचाना। मुझे अपने गांव के सभी लोगों की खबर रहती है, मैं पल पल की खबर रखता हूँ, कौन कहाँ रहता है और क्या काम करता है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जमींदार जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी सब्जियाँ बिकने के बाद भी मेरे पास कोई बचत नहीं हो पाती है, और अब मेरी बेटी भी शादी के लायक हो रही है, इसीलिए बस मैं आपके पास काम के लिए आई हूँ। अगर मालिक आपके पास कोई काम हो तो कृपया करके मुझे आपके पास काम पर रख लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो कल आ जाना, तुम मेरे नौकरों के साथ ही काम कर लेना, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहने के बाद गीता अपने घर वापस आ जाती है और वो सारी बातें अपनी बेटी कोमल को आके बता देती है। बेटी मुझे जमींदार ने अपने यहाँ काम पर रख लिया है, कल से मैं जमींदार के यहाँ काम पर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ बेटी सुबह सुबह मैं सब्जियाँ बेचने के लिए चली जाऊँ और फिर कुछ देर बाद मैं जमींदार के यहाँ काम पर चली जाऊँ। माँ लेकिन आप इतना सारा काम कैसे कर पाओगी, आपकी अब उम्र भी हो गई है, अगर आप इतना सारा काम एक साथ करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आप सब्जियाँ बेचने के लिए चली जाना और जमींदार के यहाँ काम करने मैं चली जाऊंगी। लेकिन बेटी तुम ये सब कैसे कर पाओगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा करिए, आप ज्यादा काम नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। कोमल की जिद के आगे गीता खुद को रोक नहीं पाती। अगले ही दिन कोमल घर का सारा काम करने के बाद जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। कोमल मन लगाकर जमींदार के यहाँ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम गीता की बेटी हो ना? हाँ जी गीता ही मेरी माँ है, वो नहीं आई उनकी जगह मैं काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि वो काम करने के लिए आएगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है, चाहे तुम करो या तुम्हारी माँ। जमींदार जी मेरी माँ की बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, उनसे इतना ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसीलिए अब उनकी जगह मैं ही काम किया करूँगी। ठीक है जैसा तुम कहो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम कोमल है। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह,
बहुत ही सुंदर। कोमल को जमींदार की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करती है और अपने कामों में लगी रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल जमींदार के यहाँ मन लगा के काम किया करती थी और जमींदार एक जगह बैठकर कोमल पर नजर रखा करता था। कोमल जमींदार की हरकतों से परेशान हो गई थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप जमींदार के यहाँ काम करती और काम खत्म होने के बाद अपने घर के लिए चली जाती। एक दिन कोमल जमींदार के यहाँ खाना बना रही थी, तभी जमींदार वहाँ पर आ जाता है और कोमल से कहता है, कोमल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जमींदार साहब, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देख कोमल मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उससे ज्यादा काम नहीं होता है। मैं उसकी सारी परेशानियाँ समझता हूँ। तेरी माँ चाहती है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन कोमल मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मानता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जमींदार साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपको ऐसी बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? चल मुझे फालतू का भाषण मत दे, क्या सही है क्या गलत है मैं सब समझता हूँ। अगर तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे काम पर से क्या निकालेंगे? मैं ये काम खुद छोड़कर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर अब काम नहीं करना है। कोमल जमींदार को बातें सुनाने के बाद अपने घर जाने लगती है और चलते चलते कोमल सोचने लगती है, अगर मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ क्या ही सोचेंगी। मुझे माँ से ये बातें छुपानी पड़ेगी, लेकिन माँ अगर मुझसे कुछ पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी। कोमल ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन वो घर जाने के बजाय जंगल के रास्ते चली जाती है। कोमल अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, इसीलिए वो जंगल जाने के बाद घर का रास्ता भटक जाती है। अब कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई और कितनी दूर आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँ। माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, प्लीज भगवान जी मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कोमल थक जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और कोमल परी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी परी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या परेशानी हुई है? कोमल अपनी सारी बातें परी को बताती है। परी जी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं यहाँ जंगल के रास्ते भटक गई हूँ, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगी। परी जी मैं किस बात से परेशान हूँ, ये बात मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। कोमल मुझे सब पता है कि तुम किस बात से परेशान हो, मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। लेकिन परी जी आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? कोमल मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो, बस तुम्हें अपनी इच्छा इस जादुई लहंगे से कहनी होगी। उसके बाद परी अपने जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। जैसे ही वो जादुई लहंगा कोमल अपने हाथों में लेती है, परी वहाँ से गायब हो जाती है। कोमल उस जादुई लहंगे से कहती है, ये जादुई गाउन मुझे अपने घर तक पहुंचा दो। कोमल के इतना कहने के बाद जादुई लहंगा कोमल को घर पर पहुंचा देता है। कोमल घर आने के बाद देखती है कि उसकी माँ अभी तक सब्जी बेचकर घर वापस नहीं आई है। कोमल सोचने लगती है, माँ के आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, यह जादुई लहंगे मेरे इस घर को बहुत ही सुंदर और बड़ा बना दो। कोमल के इतना कहने के बाद जादुई लहंगा उस छोटे से घर को एक बड़े से महल में बदल देता है। कोमल ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद कोमल उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनने के बाद कोमल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ का घर आने का इंतजार करती है। जब गीता सब्जियाँ बेचने के बाद घर वापस आती है तो वो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरा घर तो बहुत अलग था और वो भी मिट्टी का बना हुआ था, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। अपनी माँ को इतना हैरान देकर कोमल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ही घर है। माँ आप अंदर तो आइए।
कोमल अपनी माँ को घर के अंदर लेकर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, अब आपको सब्जियाँ बेचने की जरूरत नहीं है, अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई लहंगा हमारी हर तरीके से मदद करेगा और हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। कोमल की बातें सुनकर गीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब गीता खुश थी कि अब वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखेगी। अब दोनों माँ बेटी अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगती है।